प्राथमिक चिकित्सक सहयोग समिति द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित। पीएमसीएच के प्रसिद्ध चिकित्सक संतोष कुमार ने दिया प्रशिक्षण। सारण जिले के तरैया प्रखंड के अंतर्गत नंदनपुर बाजार से दक्षिण गवंदरी गांव स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में सोमवार को प्राथमिक चिकित्सक सहयोग समिति तरैया द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई। पीएमसीएच के प्रसिद्ध चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया। दौरान उन्होंने विभिन्न बीमारियों व उनके लक्षणों के बारे में तथा उसके उपचार व रोकथाम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। वहीं ठंड व कुहासे के दौरान लोगों में हो रही बीमारियों व ठंड से बचने एवं उनके उपचार से संबंधित चर्चा करते हुए डॉक्टर श्री सिंह ने कहा कि ठंड के मौसम में अत्यधिक मात्रा में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हृदयघात व लकवा की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इस समय के मौसम में अधिक उम्र के व्यक्तियों व बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अत्यधिक उम्र के व्यक्तियों को ठंड लगते ही वो हाइपरटेंशन की करीब पहुंच जाता है, उसे नियमित दवा जांच की जरूरत होती है। ठंड के कारण बच्चों में निमोनिया होने की खतरा बनी रहती है। ठंड में अत्यधिक उम्र के व्यक्तियों व बच्चों को गर्म कपड़ा पहनाना चाहिए तथा बाहर ठंड में जाने से बचाना चाहिए। के मौसम में अत्यधिक मात्रा में हरे सब्जी तथा ताजे व गर्म भोजन का उपयोग करना चाहिए। अगर पानी भी उबाल कर पिए तो और बेहतर होगा, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम ठंड से बच सकते हैं। वही संस्था के सचिव डॉक्टर मनोज पंडित ने उपस्थित अंगनूतक चिकित्सकों को धन्यवाद दिया तथा नए सदस्यों के बीच संस्था का आई कार्ड वितरण किया। इस दौरान उपस्थित सभी चिकित्सकों ने वर्ष 2020 के विदाई व नए वर्ष 2021 के आगमन पर एक दूसरे को बधाइयां दिया। मौके पर संस्था के सचिव डॉक्टर मनोज पंडित, डॉक्टर राम प्रवेश राय, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, डॉक्टर असलम, डॉक्टर ध्रुव कुमार सिंह, डॉक्टर सलाउद्दीन, डॉक्टर श्रीराम तिवारी, डॉक्टर अभिषेक कुमार समेत दर्जनों चिकित्सक शामिल थे। ये इस संबंध में बात करते हैं पीएमसीएच के प्रसिद्ध चिकित्सक संतोष कुमार से। एक जो भी हमारे चिकित्सक गण है कैसे कामयाब होंगे और इमरजेंसी के वक्त में कैसे काम आए, इसकी जानकारी हम लोगों ने दी। दूसरी चीज़ है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई भी मरीज चोटिल होकर के आता है, ट्रॉमा पर ज़्यादा फोकस किया जाए, चोट लगने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जा सकता है, कैसे हम लोगों को सही जगह पर सही समय पर उसको मदद करते हुए जीवन की रक्षा करते हुए सही जगह पर भेजें ताकि उसका फाइनल इलाज हो सके। और अंतिम डिस्कशन था का मेन पॉइंट था कि इस जाड़े के समय में लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके जीवन को बचाया जाए, जाड़े से बचने का उपाय, शरीर पर उसका प्रभाव और उसमें क्या क्या बीमारियां होने की संभावना है और उसको कैसे निपटा जाए, ये सब जानकारी। जी बिल्कुल, अभी ठंडी के समय है और कोरोना का कहर पूरा है, तो इस वक्त थोड़ा फोकस करें। तो देखिए, कोरोना तो पहले से भी है, जाड़े में लो टेम्परेचर में थोड़ा कोरोना की समस्या और भी गहरी हो जाती है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि अपने यहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम ही ज़्यादा लड़ने में कामयाब साबित हुआ है। फिर भी हम लोगों को ये जो प्रिकॉशन जो लेना है, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये जो कॉमन चीज़ लोगों के जीवन पर रटा गया है, भीड़ भाड़ से बचना, तो इसको फॉलो करना है। अभी जब तक कि इसका फाइनल ट्रीटमेंट या व्यवस्था टीका के रूप में या जैसे भी नहीं आ जाता है, तब तक हम लोगों को इस प्रिकॉशन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तरैया से न्यूज़ फॉर बिहार के लिए चंदन कुमार चंचल का रिपोर्ट, सारण।